हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग एक का चैनल। एंड आज ना भाई बहुत अच्छा दिन है। वो आज ना नवरात्रि के दिन चालू हो गए, तो सुबह भाई बहुत सारा काम था। सब लोग घर में साफ सफाई करते हैं, सब लोग मतलब माता के आगमन की तैयारियां करते हैं। शादी मतलब सजावट वगैरह होगा, मंदिर जाना होगा, आशीर्वाद दिया और सब कुछ किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब कहीं निकलते हैं, तो आप लोगों से गुड मॉर्निंग हो जाए और नवरात्रि की शुभकामना तो सभी यूट्यूबर एंड मेरे छोटे बड़े भाई बहन को, सभी दोस्तों को मेरी साइड से है। एंड और रामनवमी की भी एडवांस में मैंने आपको शुभकामना दे के रखी है। और अभी निकलते हैं थोड़ा बस स्टैंड के लिए, क्योंकि अज्जू भाई से मिलना है और सोच रहे थे छतरपुर जाएं, क्योंकि यार भाई कटिंग वटिंग भी करवानी है, क्योंकि उसके बाद फिर होगी नहीं कुछ लिए, क्योंकि 9 दिन ना कुछ नहीं करवाते हैं हिंदू सनातन धर्म में, ऐसा माना जाता है। तो हम भी वही नियम फॉलो करेंगे भाई, तो ऐसा ही करेंगे। तो अभी निकलते हैं और स्कूटी से जाना, क्योंकि उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो भी रिपेयर करा लें। बैल बाहर निकले तो देखे इतने खतरनाक बैल। ये भाई कैसी गाड़ी है? यही है भाई भारत की गाड़ी, बैल गाड़ी। और यहाँ भी खड़ी है और आगे भी खड़ी हैं दो दो बैल गाड़ियाँ। इसमें भूसा है ना, वो गाय के खाने वाला, तो वही सब है इसमें। लगी भाई के दुकान पे, तो लगी अम्मा की दुकान पे आया, तो अज्जू भाई यहीं शॉपिंग शॉपिंग से कर रहे हैं। अज्जू भाई शॉपिंग वॉपिंग चल रही है अज्जू भाई की। अभी कौन कौन ले रहे हैं कपड़े? अज्जू भाई के मित्र की शादी है, दद्दे की शादी है क्या? अच्छा मम्मा की दुकान से डिस्काउंट वाले कपड़े लिए जा रहे हैं सारे। निकल आए हम और अज्जू भाई दोनों लोग खतरपुर के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी भाई ने ना तो खाना खाया ना कुछ, क्योंकि काम ही था। उसके बाद वापस भी आना है ना हम लोगों को, तो इस वजह से काम हम निपटा के जल्दी आएंगे। अठारह सरकार के पास, सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आ गए थे हम छतरपुर बाईपास से अंदर, क्योंकि अंदर जाने थे सिटी में, बाईपास ही पे अपना घर है मतलब भाई साहब का, तो यहीं सामान देना है। उनका सामान कुछ लाए बट आपको भी बताया नहीं, जहाँ उतार के रखेंगे वहाँ तो बता देंगे आपको क्या क्या लाए थे हम लोग साथ में। आ गए हैं सामान लेके भाई साहब के यहाँ पे अज्जू वाला। और इसमें पता क्या है, इसमें यज्ञ की ना लकड़ियाँ हैं, क्योंकि नवरात्रि भाई चालू हो गई ना, इस वजह से लाल चंदन के लिए कौन सा वो है क्या बोलते पुष्पाराज, इसमें भाई वही है मतलब लकड़ियाँ हैं, तो जिससे हवन हवन होना है भाई साहब ही करते हैं और मिलते हैं। आ गए हैं चौक बाजार में, यहाँ भी रामनवमी की तैयारी गेट वेट सारे कम्प्लीट हो गए हैं। बस स्टैंड पर यहाँ भी बहुत जोर शोर से चल रही है मतलब पूरी व्यवस्थाएं रामनवमी की, ये भी गेट वेट यहाँ कंप्लीट हो गया। अंदर से भी डेकोरेशन वहाँ भी चलेंगे, क्योंकि अभी बाकी कंप्लीट होने को भी है और हो भी रहा है, क्योंकि टाइम भी है, अभी नवरात्रि का चल रहा है ज़्यादा तेज काम, तो वो भी अभी चलेगा, साथ में रामनवमी भी चलेगी। आ गए हरीश भाई की दुकान पर, तो अभी कटिंग वटिंग करवाएंगे, आ जाएंगे थोड़ा, जो भी टाइम उनको आने को, फ़ोन तो लगा ही दिया हमको। मेरे सेल फोन के पीछे क्या है गाइस, लोग इमोजी लगा के रखे, क्योंकि आपको पता ही होगा ना कि मुंबई में जब गया था ना, तो वहाँ पे पीछे वाला गिलास टूट गया था, इस वजह से ना इमोजी लगा ली, जिसमें कलरफुल भी लगेगा कवर और दिखेगा भी नहीं किसी को। टाइम लगना था तब तक हमने सोचा अंदर जाके देख लें कितना बेहतरीन डेकोरेशन करवाया, छतरपुर में एक नंबर है। बाकी अभी अंदर तो बंद है, क्योंकि अंदर भी काम ही चल रहा है, तो बहुत सारा काम कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक नंबर रहेगा सारा सेटअप श्री राम सरकार भगवान का। भाई की दुकान पे वो भी फ्री बैठे थे, क्योंकि मार्केट का हाल भाई ना बहुत बुरा चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, कस्टमर तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। बस जितना भी अभी जो हिसाब से नवरात्रि चल रही है मतलब, और नाम रामनवमी, हिसाब से कस्टमर कम ही आते हैं, बस परेशान करते हैं, रेट वेट पूछते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत दुकान है ना इसके लिए। बस हरीश का वेट ही कर रहे हैं, वो आ जाए उनका कॉल, उसके बाद कटवाएं बाल और निकलें फिर। अभी करवा लिए हैं थोड़ा शेविंग है, क्योंकि अभी बाल कटने में थोड़ा टाइम है, अभी हरीश भाई आ जाए उसके बाद बाल कटेंगे भाई। अज्जू भाई तो अपने सेल फोन में बिजी है। निकला है भाई वहाँ से शेविंग में, बाल कटिंग करा के भाई, पहले कुछ और था एक कटेरा और अब कुछ और ही है मतलब। और अज्जू भाई ने कुछ नहीं कराया, वो बोल रहा था अपने कौन सा शादी का सीन है, मैंने तो कहा चलो ठीक है थोड़ा बहुत तो कर ही लो। के पास पहुँच गए जल्दी जल्दी, क्योंकि फोन भी आ रहे हैं भैया के, क्योंकि काम भी है यार ना इसके लिए, आज सारे काम ही करने पड़ेंगे ना। मैंने बालक को छोड़ दिया नंदू भाई की दुकान पे, बालक की आँख में पता नहीं क्या चला गया। आ गया तेरा भाई घर में, मिलते हैं कल, कुछ नए वीडियो बताता है, अगर वीडियो पसंद आते हो तो तेरे भाई थोड़ा मेहरबानी करते जाओ और सपोर्ट भी करते जाओ भाई, और हेयर कटिंग तो सारी कम्प्लीट होगी भाई, चश्मा लेकर भाई वहीं पे छोड़ जाएंगे आगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम उसे बोल दिया तो बोले कि आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा वो, ठीक है। जय श्री कृष्ण।
बाय बाय।